9 मई यानी रूस के विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन ने कई टारगेट सेट कर रखे हैं। उन्हीं में से एक टारगेट है मारियुपोल शहर का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट। अभी तक रूस की तरफ से शहर के कई इलाकों पर तो कब्जे का दावा किया गया है, लेकिन इस विशालकाय स्टील प्लांट में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के सैनिक अभी भी लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने हमलों को और प्रचंड कर दिया है। स्टील प्लांट पर कब्जे की तैयारी। प्रचंड हमलों से दहला अज़ोवस्ताल प्लांट। प्लांट पर बम और बारूद की बारिश। पुतिन का 9 मई का टारगेट सेट है। कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं, घड़ी के कांटे लगातार घूम रहे हैं। समय का यह पहिया यूक्रेन पर किस कदर भारी पड़ा है, इसे समझने के लिए मारियुपोल शहर और वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का हाल समझना होगा। ये उस मारियुपोल शहर की तस्वीरें हैं जहां जंग के दानव ने पैर नहीं पसारे थे। एक खिलखिलाता हंसता खेलता शहर। और ये तस्वीरें उस स्टील प्लांट की हैं जहां 12,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। अब से कुछ रोज पहले तक न सिर्फ ये प्लांट 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों का घर था, बल्कि इसी विशालकाय प्लांट में स्कूल, थिएटर, हॉस्पिटल और पार्क जैसी सुविधाएं थी। इतना ही नहीं, जंग के हालात से बचने के लिए इस प्लांट में न्यूक्लियर बंकर भी बनाए गए थे। लेकिन अब यहां सब कुछ बदल चुका है। मारियुपोल के अलग अलग इलाकों पर कब्जे के बाद अज़ोवस्ताल प्लांट इस वक्त यूक्रेन में चल रही जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। हर पल हर घड़ी ये प्लांट बारूदी धमाकों से थर्रा रहा है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से ही मारियुपोल शहर पर रूस के हमले जारी थे, लेकिन तब से लेकर अब तक आखिर क्यों इस शहर पर रूस कब्जा नहीं कर पाया है, इसे समझना होगा। इस प्लांट को मारियुपोल का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र माना जाता है। जंग की शुरुआत से ही इस प्लांट से यूक्रेन के सैनिक छिप छिप कर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्लांट में करीब 2,000 सैनिक अभी भी मौजूद हैं। इस प्लांट में मौजूद ये सैनिक रूस के सामने सरेंडर से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी इस प्लांट में छिपे हैं। ये नागरिक भी छिप छिप कर यूक्रेनी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। न्यूक्लियर बंकरों में छिपे होने की वजह से ये लोग रूसी हमलों से बचे भी हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के सुरक्षा चक्र को तोड़ने की सौगंध खा ली है। इस स्टील प्लांट के सुरक्षा घेरे को 9 मई से पहले खंड खंड करने के लिए पुतिन ने बेहद खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत रूसी सेना और चेचन लड़ाके एक साथ मिलकर इस प्लांट पर हमला कर रहे हैं। इस प्लांट के ऊपर अब ऐसे बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले से ज्यादा घातक हैं। खास बात ये कि अब पुतिन की सेना बेरहम होकर आसमान से भी प्लांट पर बम बरसा रही है। ये हमले इस कदर तेज हो चुके हैं कि अज़ोवस्ताल प्लांट से दिन भर धुएं का गुबार उठ रहा है। जाहिर है, आबादी से बर्बादी का सफर तय करने वाले इस शहर में अब मौत नाच रही है। पुतिन को इंतजार है तो बस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे का, क्योंकि इसी प्लांट पर कब्जे के बाद रूस मारियुपोल पर कब्जे का
ऐलान करेगा और बकायदा इसके लिए 9 मई की तारीख को नोट कर लिया गया है, क्योंकि रूस के विक्ट्री डे के दिन ही पुतिन मारियोपोल पर कब्जे का जश्न मनाना चाहते हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी और इस जंग के बीच एक और मोर्चा है जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और जर्मनी में टकराव की खबरें हैं, दोनों देश एक दूसरे के सामने होते दिख रहे हैं और ये सारा मामला यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर खड़ा हो रहा है, जिसका असर यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी पड़ रहा है। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जनक दवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए वहां के हालात को। यूक्रेन के बाद जर्मनी से रूस की तकरार, जर्मनी और रूस में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। क्या जर्मनी के खिलाफ रूस ने मोर्चा खोल दिया? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए जो यूक्रेन की राजधानी कीव के होरेंका से न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जनक दवे ने भेजी हैं। तस्वीरों में आपको एक बड़ी सी इमारत मलबे में तब्दील नजर आ रही होगी। रूसी सेना ने यहां इतने बम बरसाए हैं कि किसी भी चीज का नामोनिशान नहीं बचा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं होरेंका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी की है। जर्मनी के रिश्ते ना यूक्रेन से बिगड़े हैं, ना जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हुए। बावजूद रूसी सेना ने इस बड़ी कंपनी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कंपनी का काम दरअसल हम देखें तो पूरे जो यूरोपियन देशों से जो सामान आता है और यूक्रेन में यहाँ पर लाया जाता है, ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है जर्मन कंपनी का, उसको यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाई जाती है और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होती है। यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जानी है, वो सारी चीज़ें इसी लॉजिस्टिक हाउस से यहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन इस जर्मनी की कंपनी को भी रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया था। आप देखिए, कोई भी एक कोना भी यहाँ इस कंपनी का बाकी नहीं रहा। दरअसल ये जर्मनी की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का वेयर हाउस था, जहाँ पूरे यूरोप का साजो सामान आता था और कीव के इस वेयर हाउस में रखा जाता था। इसके बाद पूरे यूक्रेन में यहाँ से सामान ट्रांसफर होता था, लेकिन आज ये वेयर हाउस रूसी हमले के बाद कबाड़खाना बन गया है। स्पेसिफिक जानकारी होगी इस कंपनी की और उसके बाद ही इसको निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जर्मनी के रिश्ते इतने ख़राब नहीं हैं, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया गया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुँचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है, पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है। यूक्रेन पर हमले से पहले तक जर्मनी की रूस से कोई दुश्मनी नहीं थी, दोनों के बीच अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे। जर्मनी अपनी गैस और तेल की आपूर्ति भी रूस से ही करता है। लेकिन कीव के होरेंका में जर्मनी की कंपनी पर हुई एयर स्ट्राइक से इस दोस्ती में दरार की खबर पर मुहर लग गई है। हमारे संवाददाता जनक दवे ने पूरे होरेंका का दौरा किया। यहाँ सभी इमारतें सुरक्षित हैं, बस जर्मनी के इस वेयर हाउस को छोड़कर। तो ये स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है, वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आती है और उसके बाद से ही वह यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ से जाती है। तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई दोनों छोर में। ये पूरा लंबा इसका जो फेज है, वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है।